गेमिंग लास्ट टाइम लैपटॉप अंडर 90,000 to 2 lakh, तो भाई अगर आपका बजट 90,000 से लेके 2 lakh है, इस प्राइस रेंज की बात करेंगे। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 से कम है, उसकी वीडियो मैंने पहले ही की है, मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज से स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 तक हो जाता है इस प्राइस रेंज में, यार मैंने रखे हैं 2 लैपटॉप, ये दोनों लैपटॉप आपको बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है असूस रॉग सेट्रिक्स को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो यार आपको स्टाइलिश डिज़ाइन तो देखने को मिल ही जाता है, उसके साथ साथ इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने लॉन्ग टाइम लैपटॉप को रखना है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आपको 16GB रैम मिल जाती है, 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद भी आपको SSD देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि इसके प्लस पॉइंट आ जाते हैं। आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना, आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। इसका भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एंड भाई लास्ट स्ट्रीम के लिए परफेक्ट डील हो सकता है, अगर आपने गेमिंग लास्ट स्ट्रीम करनी है, आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकती है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता देता हूं। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 inch फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i5 या i7 दोनों में से मिल जाएगा, आपको i5 भी मिल जाएगा, i7 भी मिल जाएगा। आपने i7 की ओर जाना है अगर आप जा सकते हो, ठीक है। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, एंड आपने 16GB की ओर ही जाना, आपने 8GB रैम की ओर नहीं जाना, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बातों को 1650 Ti भी मिल जाएगा, आपको 1660 Ti भी देखने को मिल जाएगा। तो यार अगर आप 1650 की ओर जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। अगर 1660 Ti की ओर जाना है, आप उसकी ओर भी जा सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 देखने को मिल जाएगी। बैटरी की बातों को 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस यार 80,000 मतलब 80,000 से स्टार्ट हो जाता है। एंड i7 के साथ मतलब 16GB रैम के साथ इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 95,000 के बजट में। अगर आपका बजट है भाई 95,000, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, आपके लिए पूरा लोडेड हो जाता है। एंड अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है, गेमिंग लाइव स्ट्रीम करनी है, आपके लिए सच में बहुत गुड डील हो सकती है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूं। नंबर वन पर यार मैंने रखा है असूस रॉग जैब्रस G14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंड सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला लैपटॉप, आपको 4.5 रेटिंग देखने को मिल जाती है। अमेजोन पे पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे। प्लस इसके मतलब स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है, इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं। इसकी खासियत की बात करूं, आपको एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, डुअल फैन मिल जाती है, प्लस आपको बैक साइड में लाइटिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड भाई लाइव स्ट्रीम के लिए बेस्ट है, गेमिंग के लिए बेस्ट है, गेमिंग लाइव स्ट्रीम के लिए बेस्ट है, वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा बिकॉज वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं, तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 inch फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को AMD Ryzen 5 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, आपको 1TB SSD देखने को मिल जाते हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको NVIDIA G4 RTX भी मिल जाएगा, GTX भी मिल जाएगा, आपको 2060 के साथ 4 ग्राफिक जो ग्राफिक कार्ड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूं, आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, एंड इसका बजट यार 1,50,000 के बजट तक भी चल जाता है। असूस रॉग जैब्रस G14 बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लैपटॉप है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया असूस रॉग जैब्रस G14 के भी। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इनकी डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की बहुत तगड़ी मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ असूस रॉग जैब्रस G14 की, उसमें आपको 120 रिफ्रेश रेट के साथ उसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ असूस रॉग सेट्रिक्स की, उसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी आपको 144 रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी होने वाली है, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिलने वाली है, स्टाइलिश डिज़ाइन दोनों का देखने को मिल जाता है। एंड प्राइस वगैरह भी आपको 90,000 लेके 1,10,000 के बजट में दोनों देखने को मिल जाएंगे। स्पेसिफिकेशन पूरे लोडेड मिल जाते हैं। अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है, गेमिंग लाइव स्ट्रीम करनी है, आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर 1.5 lakh तक हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर भाई अगर आपका बजट 1.5 lakh तक हो जाता है इस प्राइस रेंज में, मैंने फिर से 2 लैपटॉप रखे हैं। ये दोनों लैपटॉप भी आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ Acer Predator की एंड Asus TUF Gaming A15 की, ठीक है। तो दोनों के स्पेसिफिकेशन आपको तगड़े मिल जाएंगे। आपको RTX ग्राफिक कार्ड
मिल जाएगा, 16GB रैम मिल जाएगी, 144 रिफ्रेश रेट दोनों में मिल जाएगी, एंटी डस्ट कूलिंग दोनों में मिल जाती है, डुअल फैन एंटी डस्ट कूलिंग वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये गेमिंग डिजाइन में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ भाई अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है, गेमिंग लाइव स्ट्रीम करनी है, आपके लिए दोनों लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकते हैं। दोनों में से जो भी आप लेना चाहते हो, मतलब जो भी आपको प्राइस में सही बैठता है, आप उसकी ओर जा सकते हो। अभी बात करते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार Acer Predator की बात करूँ, आपको डिस्प्ले की बात करूँ, 15.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, 16GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कह सकते हो, प्लस आपको 1TB HDD देखने को मिलती है, प्लस 256GB आपको SSD देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको NVIDIA GeForce RTX 2060 मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 45 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ, दिवाली फेस्टिवल में इसका प्राइस बहुत कम हुआ था, आपको 1,00,000 के बजट में मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस ज़्यादा हो गया, आपको 1,30,000 के बजट में Acer Predator देखने को मिल जाता है। अभी आगे बात करते हैं सूट ऑफ गेमिंग के 15 की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 15.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जो कि IPS लेवल पैनल डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको AMD Ryzen 7 देखने को मिलेगा। स्टोरेज की बात करूँ, 16GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कह सकते हो, स्टोरेज वगैरह भी आपको तगड़ी मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, इसमें भी आपको RTX देखने को मिलेगा 2060 के साथ, विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 48 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। इसका भी दिवाली फेस्टिवल में प्राइस बहुत कम हुआ था, आपको 92,000 के बजट में देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस देखने को मिलेगा 1,20,000 से अपर ही। ठीक है, तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिया। दोनों लैपटॉप आपको बहुत तगड़े मिल रहे थे अगर आप दिवाली फेस्टिवल में ले लेते। ठीक है, अभी तो चलो वो चीज़ आपने स्किप आउट कर ही दी है, लेकिन अगर आपने अभी इसको लेना है आप ले सकते हैं। आपको इसका प्राइस जो है वो 1,10,000 से लेके 1,40,000 के बजट तक ये स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। लैपटॉप पूरे तगड़े हैं भाई, अगर आपने लॉन्ग टाइम पीरियड रखने हैं, 4-5 साल भी अगर आपने यूज़ करना है, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो या गेमिंग लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, आप इजीली नॉर्मली कर सकोगे, आपको कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड ये हीटिंग इशू वगैरह में भी नहीं जाने वाले, जो कि प्लस पॉइंट आ जाता। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 2,00,000 तक हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 2,00,000 तक हो जाता है, अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है या गेमिंग लाइव स्ट्रीम करनी है, तो भाई मैं तो आपको सीधा रिकमेंड करना चाहता हूँ, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है डेल एलियन वेयर। ठीक है, इसका डिज़ाइन, इसकी लुक, इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लस इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के साथ साथ आपको स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं। अगर आपने भाई गेमिंग करनी है आपके लिए, तो परफेक्ट डील हो सकती है। प्लस भाई अगर आपने सिर्फ लाइव स्ट्रीम के लिए इसको यूज़ करना है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सही डील हो सकता है। अगर मेरा बजट भी 2,00,000 होता है, तो भाई मैं इस लैपटॉप की ओर जाता, बिकॉज बहुत ही तगड़ा मिल जाता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात हो, उनको 15.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है, जो कि 300 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिलने वाली है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i7 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आप अपग्रेड भी कर सकते हो, आपको 1TB SSD देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको NVIDIA GeForce RTX 2060 मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS Office देखने को मिलेगा 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ, आपको 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, उनको 2,00,000 के बजट में डेल एलियन वेयर देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया डेल एलियन वेयर की, ये लैपटॉप भी आपको पूरा अपर देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है, आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 लैपटॉप बता दिए हर एक प्राइस रेंज में। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2,00,000 है, इनमें से कोई भी लैपटॉप आप ले सकते हो। आपने लॉन्ग टाइम पीरियड रखना है, लाइव स्ट्रीम करनी है, गेमिंग लाइव स्ट्रीम करनी है, या गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो। बहुत ज़्यादा तगड़े लैपटॉप बताए यार मैंने आपको। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।